हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम बात करते हैं एलसीएम और एससीएफ पार्ट टू की। तो एलसीएम एंड एससीएफ पार्ट टू का क्या मतलब है, क्यों मैं पार्ट टू लिख रहा हूँ? एलसीएम एंड एससीएफ, इसमें पार्ट टू की मैं बात कर रहा हूँ आज। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? पार्ट टू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट टू का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि पार्ट वन में जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उसको 5 मिनट के अंदर रिविजन मारेंगे, 5 मिनट के अंदर क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद कुछ और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जो बचे हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं हम, और उसके बाद ओवरऑल एलसीएम और एससीएफ हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमने उस दिन क्या बात की थी आपको कि एलसीएम क्या कहते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक या फिर लासा। ठीक है, और एससीएफ को क्या बोलते थे? हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, या फिर महत्तम समापवर्तक। एलसीएम क्या चीज होती थी? एलसीएम कई सारे नंबर्स का ऐसा एक नंबर होता था, कई सारे नंबर्स का एक ऐसा नंबर होता था कि जितने भी नंबर्स थे अगर उनसे उस नंबर को डिवाइड किया जाता था तो कंप्लीटली कट जाता था। यही आपका क्या होता था? एलसीएम होता था। और एससीएफ क्या होता था? उन्हीं नंबरों का, ढेर सारे नंबरों का एससीएफ क्या होता है? उन नंबरों में से कॉमन, एक हाईएस्ट कॉमन, जो कि जिससे कि भाग दिया जाए वो सारे नंबर कट जाएं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये बताया था हमने कि जो एक नंबर होगा उस नंबर को अगर जितनी भी संख्याएं आपके पास 1, 2, 3, 4 है, अगर सबसे डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, उसे बोलते थे एलसीएम। जबकि इसी का जस्ट अपोजिट क्या कहला देता है? एचसीएफ कहला देता था। इतनी बात हमने समझाई थी उस दिन, नो का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसके बारे में हमने बात की थी, और आपको कंप्लीटली समझा दिया था कि जब फ्रैक्शन में रहेगा, भिन्न में रहेगा, तब क्या करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसी भिन्न में से। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपका छूट गया था एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते थे भिन्नों का? एचसीएफ कैसे निकालते थे भिन्नों का, कैसे निकालते थे, क्या फॉर्मूला होता था? जब एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस की मैं बात करता हूं, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस की बात करता था, मींस भिन्नों का एचसीएफ मासा। ठीक है, जब हम निकालते थे तो क्या करते थे, जब मासा लिखा रहता था तो ऊपर मासा लिखते थे, ऊपर मासा लिखते थे और नीचे लासा लिखते थे। लासा मतलब एलसीएम। ठीक है, और ऊपर क्या, जो जितने भी आपके न्यूमरेटर में डिजिट है वो ऊपर लिखी जाएंगी, और जितने भी डिनोमिनेटर के डिजिट है वो कहां लिखी जाएंगी? नीचे लिखी जाएंगी। मीन्स अंश में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऊपर रहेंगे, और जितने के जितने हर में है वो सारे के सारे क्या रहेंगे? नीचे रहेंगे। इतनी सी बात आपको मैंने उस दिन समझा दी थी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने उस क्लास में इतना ही पढ़ाया था और बहुत सारे 2, 4, 10 क्वेश्चन करके दिखाए थे इजिली। ठीक है, और आपको मैंने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मीन्स 1-2 सेकंड में भी आपको क्वेश्चन करके दिखाया था कि कैसे चुटकी बजा के क्वेश्चंस हो जाएगा बिना पेन उठाए। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्वेश्चंस पे, तुरंत के तुरंत आपका ऑप्शन टैकल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा क्या लेते हैं, 1/2, 1/8 और 2/13। ये एक क्वेश्चन है 2/13, ये एक क्वेश्चन है। इसका क्या करते हैं? मासा निकालते हैं। ठीक है, इसका मासा निकालते हैं। जैसे ही हम मासा निकालते हैं ऊपर वाले का मासा निकालेंगे। ठीक है, मीन्स एचसीएफ ऑफ किसका? 1/2 का। इतनी बात समझ में आ गई क्या? 1/2 क्या है? ऊपर वाली है। अब ध्यान रखना कैसे है, ये क्या है आपका? एचसीएफ है, जो निकाल रहे हो उसी चीज का ऊपर वाला ध्यान देना, सामने सामने देखना है, उसका जस्ट अपोजिट एलसीएम पे चले जाओ आप। जो नीचे है 2, 8, 13 उनका क्या कर लो बच्चों? एलसीएम आप निकाल लो, और जरा आप बताओ कि 1, 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा। मैंने आपको उस दिन बताया था कि इन तीनों में से कोई कॉमन है क्या? कुछ भी नहीं कॉमन है। अगर कुछ भी नहीं कॉमन है तो आंसर क्या बताने वाले हो? 1 बताने वाले हो। ठीक है ना, यहां पे बात करेंगे एलसीएम की, तो 2 और 8 दोनों में अगर देखा जाए तो 8 एलसीएम हो जाएगा, और 8 और 13 में 13 × 8 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको 2 देखोगे तो 3 बार जाएगा, उसके बाद 13 से जाएगा, तो 2, 2 × 4, 2 × 8 और 13 × 8 कितना होता है? कितना होता है बच्चों? 13 × 8। ठीक है, 13 × 8 कितना होता है जरा आप बताओ जल्दी से? 104 होता है। कितना होता है? 13 × 8 = 104 होता है। इतनी बात समझ में आई, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सब भी नहीं लिखना है आपको क्वेश्चंस में, लिखना क्या होता है? सीधा आंसर। और आंसर भी क्यों लिखोगे आप? क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं, सीधा आप जाओ और 1 पे क्लिक कर दो। इतनी बात समझ में आई क्या? और कैसे समझोगे? बस आप सबसे पहले ऑप्शंस पे चले जाना। ऑप्शन पे आपको जैसे वहां पे जाओगे, इसी क्वेश्चन के ऑप्शंस की बात करेंगे तो 1 में हो सकता है 2/107, कुछ ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है दूसरा ऑप्शन 3/104, हो सकता है तीसरा ऑप्शन 1/104, हो सकता है चौथा ऑप्शन
कुछ समथिंग डिवाइडेड बाई 104, ठीक है, ऐसे दिखेगा। तो जरा आप बताओ, अगर आपको सेलेक्ट करना है, अगर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, सबसे पहले ऊपर का ही देख लो। क्यों क्यों ऊपर वाला मैं दिखवा रहा हूं? क्योंकि यहां पे दो है, यहां पे तीन है, यहां पे एक है, यहां पे पांच है। ऊपर तो कोई एक ही संख्या आएगी ना भाई साहब, ऊपर दो तीन एक और पांच में से कोई एक ही तो होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इन सब के ऊपर का ही देख लो। अगर आपका एचसीएफ 1 आ जाता है तो आपको नीचे एलसीएम लगाने की जरूरत है ही कहां। सीधा आप जाओ और देखो कि एक ही में तो 1 ऊपर है, आप सीधा यहां पे टिक करके आगे बढ़ जाओ, आपका टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कैसे करना होता है ऑप्शन से क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि ऑप्शन से कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। हो सकता है इसमें दो चीजें निकालनी थी लेकिन आपका एक ही चीज से काम चल जाए, ठीक है। हो सकता है सब में 111 ऊपर होता तो हम 1 को देखते ही क्यों, एलसीएफ इसका क्यों निकालते हैं, हम इसका एचसीएफ क्यों निकालते ऊपर वाले का, हम सीधा क्या ना करते एलसीएम जहां पे डिफरेंट दिखे आपको। अगर देखें कि ऊपर सब में सेम है तो ऊपर निकालने का फायदा है क्या बाबू, ठीक है। नीचे पे चले जाओ और नीचे पे देखो क्या डिफरेंट है, सब आपको वहां पे डिफरेंट दिखेगा, और जैसे ही सब में डिफरेंट दिखेगा आप सीधा उसी चीज पे जाओ और वहां से आप आंसर निकाल के सीधा वहां पे क्लिक कर लो। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको कैसे निकालना है आपको हमने तरीका बता दिया है, जिससे कि आपका टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको पावर वाले कुछ क्वेश्चंस करके कि एलसीएम और एचसीएफ उनका कैसे निकालेंगे। जैसे हम लिख देते हैं 2 के पावर -5, 2 के पावर -6, 2 के पावर -8, ठीक है। इन सब का क्या निकाल के दे दो बच्चों, एचसीएफ निकाल के दे दो। इन सब का क्या कर दो, एचसीएफ निकाल के दे दो। तो पहले हमने आपको एलसीएम बता रखा है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एलसीएम अगर निकालना होता तो मैं जो यहां पे कम संख्या में माइनस लगा है वो आपका आंसर हो जाता, ठीक है। क्योंकि 2 तो सब में ही कॉमन है और पावर में 1 पे -5 है, 1 पे -6 है, 1 पे -8 है। तो जरा आप बताओ इनमें बड़ा ही लिया जाता है ना भाई साहब, बड़ा ही तो लिया जाता था, और बड़ा क्या है -5। इन सब में -5 बड़ा है। क्यों -5 बड़ा है? -5 इसलिए बड़ा है क्योंकि वो माइनस में है, नहीं तो यहां पे अगर सारे के सारे प्लस में होते तब बच्चों आपका क्या आंसर होता, 2 के पावर 8 होता, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 के पावर -5। और वहीं पे बात करेंगे एचसीएफ की, तो सबसे कम वाली पावर देख लो आप, सबसे कम आपका 2 के पावर -8 है। आप आंसर सीधा लगाओ और आगे बढ़ जाओ। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, 1.5, 2.4, ठीक है, 0.36। इतनी सी बात समझ में आई। ये छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, हमने ऐसे आपको एलसीएम भी निकालना बताया था, बस वैसे ही आपको आज एलसीएम बताऊंगा, ठीक है, एचसीएफ बताऊंगा। एचसीएफ में क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे एलसीएम में हम दशमलव से कोई मतलब नहीं समझते थे, ये जो डेसिमल पॉइंट लगे हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, आप सीधा क्या कर लो, वैल्यू लिख लो, ठीक है। क्या लिख लो, वैल्यूज लिख लो, और इनसे क्या निकाल लो, हमें क्या पूछा है, एचसीएफ निकालना ही पूछा है ना आपसे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो दशमलव वाले क्वेश्चंस हैं उनमें अगर आपसे एचसीएफ पूछा है, सीधा आप दशमलव भूल जाओ। क्या करना है आपको, दशमलव को भूल जाना है और सीधा वैल्यू लिखनी है और इनका एचसीएफ निकाल के देना है आपको। अगर इसका देखा जाए तो 3 × 5, इसका देखा जाए तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 4 × 8 = 24, और 36 की बात करें तो 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 4 = 12 × 36। इतनी बात समझ में आकर ऐसे ही आप तोड़ लोगे इन सबको। अब जरा आप बताओ इन सब में कॉमन क्या है, अगर 3 2 है क्या तीनों में कॉमन, इसमें 2 नहीं, अगर देखा जाता तो इन दोनों में ही 2 2 था लेकिन इसमें नहीं था, तो 2 को तो भूल ही जाओ। कॉमन देखना है आपको जो दोनों में हो, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है। जरा आप बताओ 5 इसमें है, इसमें तो है बट इसमें है नहीं है, ठीक है। इन तीनों में अगर देखा जाए तो आपका कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, जरा आप बताओ जल्दी तेज से बताओ, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा इसका कॉमन। लेकिन आप बताओ यहां पे कि जब एलसीएम होता था तो हम कहते थे जो पीछे से आप गिनो और सबसे कम अंक के बाद दशमलव लगा है वो अंक के बाद, उतने ही अंक के बाद इधर भी आपको दशमलव लगाना है। लेकिन यहां पे एचसीएफ में कम नहीं देखा जाता, क्या देखा जाता, उसका जस्ट अपोजिट, सारी चीजें उल्टी होती हैं, ठीक है। तो अब की बार ज्यादा देखो, 1 2 1 1, यहां पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा, यहां पे 1 अंक के बाद लगा है दशमलव, लेकिन यहां पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, ठीक है। जब 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो यहां पे मैक्सिमम कितना है, 2, तो यहां पे देखो जो 3 आपका आया उसमें 1 छोड़ दो, अभी तो 1 ही अंक है, अब 2 कैसे छोड़ोगे, 1 0 लगा दो, उसके बाद आप दशमलव लगा दो, आपका आंसर आ गया एचसीएफ। समझ में आई बात, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन और जरा आप लगा के दिखाओ और बताओ इसका एचसीएफ क्या आएगा, ठीक है। 2.4, 2.50, ठीक है,
0.36, ठीक है, 0.081। इसका क्या करना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ आपको निकालना है और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक है। और ध्यान रहे कि गलती ना हो, ठीक है, और ये भी ध्यान रहे कि आपका 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको देखनी है कि कहीं आप 30 सेकंड नहीं लगा रहे हो, कहीं आप एक मिनट इस क्वेश्चन को तो नहीं लगा रहे हो, कहीं दूसरा आपको देखना है कि कहीं ये गलत तो नहीं हो गया। अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन सही भी हो गया लेकिन आपने 2 मिनट खराब कर दिए तो आपका इस क्वेश्चन को लगाना व्यर्थ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रहे हर एक क्वेश्चन को पढ़ते समय कि कहीं वो ज्यादा समय तो आपसे नहीं ले रहा। अगर आपका ज्यादा समय ले रहा है, सबसे पहले आप क्या करो, बेसिक चीजें सीखो, जितना आपको मैंने पहले सिखाई है, यूनिट डिजिट वगैरह सारी सीख लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, आप सीधा 11 से 20 या 2 से 20 तक कम से कम पहाड़ा याद रखो, ठीक है। कहां से 2 से 20 तक आपको पहाड़ा याद रखना, टेबल याद रखनी है, ध्यान रखनी है, उसको सीधा मुंह पे रखना है, ठीक है। और क्या करना है, और एक और चीज याद रखनी है, वर्ग याद रखना है, 2 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स या 25-30 तक के आपके स्क्वायर्स क्या करना है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यूब की बात करें तो कम से कम 10-12 अंक तक, 2 से लेकर 12 तक के कम से कम क्यूबिक चीजें याद रखो, उसका घन याद रखो, ठीक है। ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है, आगे मैथ में, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो, क्यूब, स्क्वायर एंड पहाड़ा, टेबल, अगर ये तीनों चीजें आपके मुंह पे हैं तो आपसे क्वेश्चन में कभी भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। 100% आप इसमें सफल होगे कि आप 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में मैक्सिमम आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। और मैं तो कहता हूं आप 2 सेकंड में भी आप आंसर दे सकते हो, सीधा ऑप्शंस पे जाओ, टैकल करो, सीधा आंसर आ जाएगा। अभी तो दशमलव भूल ही जाओ, वैसे ही निकालो इसका आंसर जल्दी से सॉल्व करके और सीधा कमेंट बॉक्स पे आंसर छोड़ो, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको एक और प्यारा सा फॉर्मूला बताने वाला हूं, एक और प्यारी सी चीज बताने वाला हूं जिसपे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉर्मूला क्या है देखते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लासा गुड़े उनका मासा। अब किनका मासा बताओ। अरे उनका क्या मतलब है, उनका का मतलब है उन्हीं दोनों संख्याओं का लासा, उन्हीं दोनों संख्याओं का मासा का अगर गुणा कर दिया जाए तो वही दोनों संख्या का गुणनफल निकल के आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक चीज समझ में आ गई कि लासा गुड़े मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, बहुत ही बेसिक सी चीज है। जैसे कोई 2 संख्याएं, एक तो x और दूसरी y, तो इसका मतलब हो गया एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई का एलसीएम गुणे एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई का एचसीएफ निकालो, एक्स और वाई का एलसीएम निकालो और इन दोनों का गुणा करो, तब आपका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स और वाई का गुणा आ जाएगा। इतनी की बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन कैसे आता है, इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है प्यारे बच्चों कि जैसे 2 संख्याएं हैं, एक 15 है और दूसरा 24 है, दोनों संख्याएं ऐसी हैं जिनका लासा तो दिया है, उनका मासा क्या होगा। तो एक तो इजी क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, जरा इसको देखते हैं। 15 और 24, ठीक है, 15 और 24, ठीक है, 2 संख्याएं हैं, ये क्या हैं, 2 संख्याएं हैं, इनका लासा आपको दिया है। अब इसका लासा आपको दिया है कितना हो सकता है, ठीक है, इसका मैं लासा निकाल के आपको दिखा दूं क्योंकि मैं तो क्वेश्चन रट के नहीं आया हूं, ठीक है ना, क्वेश्चन यहीं पे बना रहा हूं तो क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे। मान लो इसका लासा 15 और 24 का निकालते हैं हम, कितना आ जाएगा, 3 5 15 3 8 24, 5 से जाएगा फिर 8 से जाएगा, कितना आएगा, 8 5 40 3 120। तो इसका लासा मान लो क्वेश्चन में, ऐसे ये चीजें मैं तो आपको कर रहा हूं, आप सीधा क्वेश्चन आपके फ्रेम के क्वेश्चन में आपको सीधे लिख के आएगा कि 2 संख्याएं हैं 15 और 24 जिनका लासा 120 है, आप मासा बताओ कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, लासा दे दिया, मासा पूछ रहा है, दोनों संख्याएं दे दिया है, तो हो सकता है ये भी ना दे आपसे, सीधा मासा पूछे तब भी बहुत आसान है ये, ठीक है। तो अगर आपसे मासा पूछता है तो आप क्या कर लो, 15 गुणे 24 कर लो बराबर 120 गुणे मासा कर लो। एक तो ये तरीका हो गया आपको, ठीक है, एक ये तरीका हो गया, दूसरा भी तरीका आपको बताऊंगा। तो जरा आप बताओ, 15 8 120 और 8 3 24 आपका मासा क्या आ गया प्यारे बच्चों, कितना आ गया, 3 आ गया। अरे बताओ तेज से बोलो, 3 आया,
ठीक है। अब जरा इस तरह से देखो आप, ठीक है, इस मेथड का ना यूज करते तब भी इस क्वेश्चन का आंसर आता 15 और 24 का। इसको क्या लिखते 5 × 3, इसको क्या लिखते 3 × 2 × 2 × 2, यही लिखते ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 3 है, तो इसका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों 3 आ गया, तब भी आ गया आपका आंसर, ठीक है। दोनों ही मेथड बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये मेथड अब क्यों यूज करेंगे हम, हो सकता है ये दोनों संख्याएं ना दे, दोनों संख्याओं का सीधा गुणा ले दे। अब क्वेश्चन क्या लिखता, क्वेश्चन ये लिखता जैसे किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 60 है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 60 है, तथा उनका मासा एक है, उनका मासा एक है, तो उनका लासा क्या होगा। अब बताओ जरा, अब तो आपको जरूरत पड़ी ना फॉर्मूले की, अब तो जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमने क्या बताया था, x और y का गुणनफल बराबर एलसीएम ऑफ x कॉमा y इंटू एचसीएफ ऑफ x कॉमा y, यही तो बताया था ना, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ध्यान रखना, नहीं तो आप क्वेश्चन करते लगो पहले फॉर्मूला लिखो फिर वैल्यू पुट करो, ठीक है, ये सब इतना टाइम नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखते हैं सीधा 60 बराबर लासा, लासा आपको निकालना है, मींस एलसीएम आपको निकालनी है, एचसीएफ आपका 1 दिया है, अरे जरा 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा क्या बाबू, 60 ही तो आएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 90 है, तथा उनका मासा 3 है, तो उनका लासा निकालो, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो गुणनफल सीधा दिया 90, अब देखो क्वेश्चन तो इतना बड़ा था, क्वेश्चन हमने लिखने में इतना समय खराब किया, आंसर देखो जरा, आंसर क्या 90 बराबर मासा कितना है 3 × लासा, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। 30 × 90 उनका एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों 30 आ गया। जरा आप बताओ इसमें कुछ समय लगा क्या, अरे इसमें कुछ समय लगा क्या, इसमें क्या करना था आपको, लिखना भी तो नहीं था आपको, सीधा देखना था यहाँ पे 90 दिया है मासा 3 दिया है, डिवाइड ही तो करना है, 30 × 90 एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ऑप्शन पे जाओ सीधा 30 लगाओ, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। दो संख्याओं का मासा 12 तथा लासा 396 है, यह पहली संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दो संख्याएं हैं, अब की बार दोनों संख्याओं का नंबर नहीं दिया, दोनों संख्याओं की वैल्यू नहीं दिया, दिया क्या है बच्चों, दिया ये है कि उनका लासा दिया है, उनका मासा दिया है, और एक संख्या दी है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है बिना फॉर्मूले के, आप बताओ कैसे निकलेगा, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ही छोटा है, क्या है दोनों संख्याओं का लासा और मासा, पहली संख्या मान लो x देते थे, पहली संख्या तो दे ही रखा है 36, दूसरी संख्या मान लो y लिख देते हैं यहाँ पे, उनका लासा कितना है, उनका लासा है 396, उनका मासा कितना है 12 है, बस इतना सा तो क्वेश्चन है भाई, अरे 12 × 36 और 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 132 आ गई, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या है आपकी 232 आ गई, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस पे आप ध्यान रखो, ठीक है, और इस पे ढेर सारा वर्क करो, और भी आपके पास जो सारी बुक्स हैं उन बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस क्या करो, प्रैक्टिस कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रेलवे में चाहे बात करोगे आप, SSC में किसी भी एग्जाम में जाओगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और आपको बिना टाइम खराब किए ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक है, अगली क्लास तक के लिए आप सबको थैंक यू सो मच।